जय हिंद। आज के इस वीडियो में मैं सहायक विकास विस्तार अधिकारी ADEO से रिलेटेड प्रीवियस ईयर MCQ करेंगे, जो कि 2017 का 17 के प्रश्न हैं। इसमें हम परीक्षा का पैटर्न को समझेंगे कि किस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि आने वाला जो मेरा वीडियो है उसमें मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो था, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा असम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर मेघालय राज्य बनाने का प्रावधान किया गया था। तो असम के जो कुछ क्षेत्र थे उसे मेघालय राज्य बनाने का प्रावधान 22वां संशोधन अधिनियम 1969 के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी 22वां संशोधन अधिनियम 1969 के द्वारा जो असम के कुछ क्षेत्र थे उसे मिलाकर मेघालय राज्य बनाने का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्ति नहीं किए जाते हैं। तो ये जो प्रश्न था इसका आंसर आयोग द्वारा विलोपित लिया गया था, क्योंकि ये जो चारों ऑप्शन थे ये भी, यहाँ भी आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, पुदुचेरी में भी, दादर एवं नागर हवेली और चंडीगढ़ में भी। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायी उद्देश्य के लिए विधान परिषद है। तो विधायी उद्देश्य के लिए कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन डी, कर्नाटक राज्य में विधायी उद्देश्य के लिए विधान परिषद है। अगला है, निम्नलिखित IAS अधिकारियों में से कौन भारत सरकार का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी होता है। तो भारत सरकार का जो प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी होता है जिसे हम कैबिनेट सचिव कहते हैं, ऑप्शन ए, कैबिनेट सचिव। अगला देखिएगा, सामान्य परिस्थितियों में एक नगर निगम में प्रशासनिक अधिकार मुख्यतः किसके पास होता है। तो सामान्यतः जो परिस्थिति एक नगर निगम होता है उसमें प्रशासनिक जो अधिकार मुख्यतः उसके नगर आयुक्त को होता है, ऑप्शन बी, नगर आयुक्त के पास होता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस दिशा की ओर यह राज्य स्थित है। मध्य प्रदेश जो है उसके दक्षिण पूर्व की ओर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जो खनिज इस राज्य में उपलब्ध नहीं है। कोयला तो आपका सर्वाधिक मात्रा में है, लौह अयस्क भी पाया जाता है बॉक्साइट, लेकिन जो मैंगनीज है याद रखिएगा ये कम पाया जाता है, हालांकि बहुत कम पाया जाता है, आपके बिलासपुर के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात इस राज्य में सबसे ऊँचा है। छत्तीसगढ़ में जो सबसे ऊँचा जलप्रपात है वो तीरथगढ़ है, लेकिन हाल ही में सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो मकर भंजा नामक एक जगह है। ये जो स्थल है ये आपका जसपुर में स्थित है, मकर भंजा आपका जसपुर में स्थित है, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 450 फीट ऊँचा है ये। वही बात करें तीरथगढ़ की तो कितना है ये, 300 फीट ही ऊँचा है ये। तो सबसे ऊंचा कौन आपका मकर भंजा आएगा अभी वर्तमान में, ये पूर्व का है तो आप तीरथगढ़ ही मारिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र इस राज्य में सबसे अधिक विस्तृत है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक जो औद्योगिक विकास केंद्र है वो सिलतरा विस्तृत है। नेक्स्ट है, इस राज्य में स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय इनमें से किनके नाम पर है। तो राज्य में स्थित जो विधि विश्वविद्यालय है ये हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन इस राज्य में प्रशासन का प्रमुख होता है। राज्य में प्रशासन का जो प्रमुख होता है वो मुख्य सचिव होता है, ऑप्शन सी, मुख्य सचिव। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा इस राज्य की संस्कृति का आधार है। संस्कृति का जो राज्य का आधार होता है जैसे जनजातीय जीवन शैली ये भी हो सकता है, कृषक परंपराएं, कृषि से संबंधित जो परंपरा होती हैं वो भी राज्य की संस्कृति का हिस्सा होती हैं, विभिन्न धर्मों का संगम होता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला देखिएगा, प्राचीन काल में इस राज्य में शासन करने वाले निम्नलिखित में से किस वंश के राजाओं ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। तो त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करने वाला वंश था आपका सोमवंश, ऑप्शन सी, सोमवंशी जो शासक थे वो त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण किए थे। नेक्स्ट है, इस राज्य का मराठा सूबेदार इनमें से कौन था जिसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था। तो कोलब्रुक जो था वो केशव गोविंद के शासनकाल में छत्तीसगढ़ आया था, और कब आया था तो याद रखिएगा 1799 में आया था। इसके बाद है भिकाजी गोपाल, विठ्ठल दिनकर, महिपत राव। तो याद रखिएगा विठ्ठल जो दिनकर है, विठ्ठल राव दिनकर
विट्ठल दिनकर, इसके शासनकाल में जी टी ब्लंट आया था, जे टी ब्लंट आया था इसके शासनकाल में 13 मई 1795 में, 1795 याद रखिएगा। इसके बाद है महीपत राव, तो इसके शासन में काल में आया था फॉरेस्टर, फॉरेस्टर। अगला देखिएगा, इस राज्य में असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से कर्मवीर पत्रिका के कौन से संपादक गिरफ्तार हुए, तो इसमें जो कर्मवीर पत्रिका के कौन से संपादक गिरफ्तार हुए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जिला कचहरी में आग लगाने का प्रयास किया गया, तो दुर्ग का जो कचहरी था उसमें आग लगाने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल सिरपुर स्थित है, तो प्रसिद्ध जो पुरातात्विक स्थल है सिरपुर, वो महासमुंद जिला में स्थित है। यहाँ सिरपुर में याद रखिएगा, जो सिरपुर है उसमें लक्ष्मण मंदिर स्थित है जो कि नागर शैली में निर्मित है, नागर शैली में इसे बनाया गया है। किसने बनाया, तो याद रखिएगा रानी वाष्टा के द्वारा इसे बनाया गया था, रानी वाष्टा द्वारा। अगला है, इस राज्य के किस स्थान पर प्रत्येक वर्ष संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है जिसे चक्रधर समारोह कहते हैं, तो रायगढ़ में प्रतिवर्ष चक्रधर समारोह मनाया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन इस राज्य के शीर्षस्थ महिला लोक गायिका है, तो इसमें से जो ममता चंद्राकर है, ऑप्शन सी ममता चंद्राकर राज्य की शीर्षस्थ महिला लोक गायिका है। अगला देखिएगा, इस राज्य के जनजातीय लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है जो कृषि परंपरा पर आधारित है, कृषि परंपरा पर आधारित लोक नृत्य है कर्मा, ऑप्शन ए कर्मा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य की कितनी जनजातियां सूचीबद्ध हैं, तो भारतीय संविधान की जो अनुसूची 12 है, अनुसूची की धारा 20 जो है उसमें 42 प्रकार की जनजातियां सूचीबद्ध हैं, ऑप्शन डी 42। अगला है, मारिया मुरिया एम डोरला इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति की उप जनजातियाँ हैं, तो मारिया मुरिया एम डोरला जो जनजाति हैं वो गोड जनजाति की उपजाति है, ऑप्शन सी गोड जनजाति की उपजातियाँ हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किसने इस राज्य की जनजातियों की संस्था घोटुल अध्ययन किया, घोटुल का अध्ययन करने वाले थे वेरियर एल्विन, ऑप्शन बी वेरियर एल्विन। इनमें से किसने इस राज्य की जनजातियों की संस्था का घोटुल अध्ययन किया था, घोटुल का अध्ययन करने वाले थे वेरियर एल्विन, ऑप्शन बी वेरियर एल्विन। अगला है, निम्नलिखित में से किस तिथि से भारत में वस्तु एवं सेवा कर प्रारंभ हो गया था, तो भारत में वस्तु एवं सेवा कर प्रारंभ हुआ था 1 जुलाई 2017 से, ऑप्शन सी 1 जुलाई 2017। अगला है, इनमें से भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे अचल कुमार ज्योति, ऑप्शन ए अचल कुमार ज्योति। ये जो थे ये 2017 का है, 2017 के समय थे, लेकिन वर्तमान में आप याद रखिएगा सुशील चंद्रा जो है भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अगला है, जर्मनी के निम्नलिखित में से किस शहर में जुलाई 2017 में G20 शिखर सम्मेलन हुआ, तो जर्मनी के 2017 था उसमें हैम्बर्ग में हुआ था, ऑप्शन डी हैम्बर्ग में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। बात करें 2021 की, हम बात करते हैं 2021 की, तो ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इटली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। वही 2022 की बात करें तो 2022 में होगा इंडोनेशिया। इसके बाद 2023, तो 2023 जो है उसमें भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, भारत पहली बार G20 शिखर सम्मेलन का की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन 2017 की विंबलडन टेनिस महिला चैंपियन है, तो इनमें से याद रखिएगा गार्बिन मुगुरुजा हैं, ऑप्शन बी गार्बिन मुगुरुजा। लेकिन 2021 आपको 2021 का याद रखना है, तो 2021 में जो विंबलडन टेनिस महिला चैंपियन हैं वो हैं आपका असले बाटी,
असले बाटी। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर कोरिया की राजधानी है? जो उत्तर कोरिया की राजधानी है उसे प्योंगयांग कहा जाता है, ऑप्शन बी प्योंगयांग। अगला है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के पूर्व श्री रामनाथ कोविंद निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल थे? तो रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा निम्नलिखित में से किस स्वतंत्र संस्था के गठन का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 324 के तहत निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ऑप्शन ए केवल वित्तीय संस्थाओं से ऋण मुक्त प्राप्त किए कृषकों को पात्रता है, ऑप्शन बी केवल वित्तीय संस्थाओं से ऋण नहीं प्राप्त किए कृषकों को, या फिर तीसरा है उपयुक्त दोनों वर्गों के कृषक पात्र हैं, चौथा है उपयुक्त दोनों वर्गों के कृषक अपात्र हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों वर्गों के कृषक जो हैं वो पात्र हैं इसमें। अगला देखिएगा, NRLM के अंतर्गत लक्षित परिवार की पहचान की जाती है, ए वर्तमान BPL सूची के आधार पर, बी जनगणना के अंतर्गत, अ पिजा या फिर सामान्य श्रेणी के लोगों के आधार पर, ऑप्शन सी कहता है जनगणना के अंतर्गत जाति एवं धर्म आधारित श्रेणी के लोगों के आधार पर, या फिर डी है गरीब की भागीदारी पहचान PIP तथा ग्राम सभा के अनुमोदन पर। तो इसका सही आंसर है गरीब की भागीदारी पहचान PIP तथा ग्राम सभा के अनुमोदन पर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है NRLM के तहत समूह आधारित संस्थाओं जैसे स्वयं सहायता समूह को क्या वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिकामी निधि, इसके तहत भी जोखिम न्यूनीकरण कोष, इसके तहत भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, सामुदायिक निवेश सहायक कोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी NRLM के अंतर्गत प्रमोचित एक विशेष योजना है? तो NRLM के अंतर्गत प्रमोचित एक विशेष योजना है ऑप्शन सी महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के MKSP। अगला देखिएगा, मंत्रालय जो ग्रामीण उद्योगों द्वारा आजीविका उपलब्ध कराता है संबंधित है, तो ये जो मंत्रालय जो ग्रामीण उद्योग के द्वारा आजीविका उपलब्ध कराता है ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम NRIGA किस वर्ष लागू किया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो अधिनियम है वो 2005 में लागू किया गया था, ऑप्शन बी 2005। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें कौन सा जो है ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है, नारियल जटा आधारित उद्योग ये ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत आता है, पटसन आधारित उद्योग ये भी ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत आता है, मधुमक्खी पालन ये भी ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत आता है, लेकिन जो कृषि है वो ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत नहीं आता, ऑप्शन डी कृषि। नेक्स्ट है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KBIC का गठन किस वर्ष में पारित संसद के एक अधिनियम के तहत किया गया? तो इसका गठन 1956 में पारित अधिनियम के तहत किया गया था। अगला है, सामान्यतः स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की संख्या होती है, जो स्वयं सहायता समूह होते हैं उनकी संख्या होती है 10 से 20। अगला है, क्रियाशील स्वयं सहायता समूह का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस दस्तावेज से किया जाता है? तो क्रियाशील जो स्वयं सहायता समूह का मूल्यांकन उपयुक्त सभी के द्वारा किया जाता है, जैसे बैठक पंजीकरण के द्वारा किया जाता है, स्वयं सहायता समूह का कैश बुक रोकड़ पंजी के द्वारा, या फिर बैंक का पासबुक के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। अगला है, NRLM के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह सामुदायिक निवेश निधि प्रदाय करने से पहले उन्हें निम्न में से क्या तैयार कर लेना चाहिए? तो इसके लिए सबसे पहले माइक्रो प्लान या फिर माइक्रो क्रेडिट प्लान तैयार कर लेना चाहिए। अगला है,
स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से जो सी ऑप्शन है, बैंक स्वयं सहायता समूह का खाता कुछ इस प्रकार खोलता है जिससे कोई भी सदस्य राशि सीधे समूह के खाते से निकासी कर सकता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वयं सहायता समूहों को बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु कुछ मापदंड तय हैं, निम्न में से कौन सा मापदंड गलत है? तो इसके लिए स्वयं सहायता समूह कम से कम 3 साल से सक्रिय हो, ये ऑप्शन गलत है। अगला देखिएगा, सहकारी बैंक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सहकारी बैंक से संबंधित जो कथन है वो है ऑप्शन सी, सहकारी बैंक एकमात्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित है। ये गलत है, सहकारी बैंक जो है एकमात्र रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। अगला देखिएगा, सहकारी बैंकों को निम्न में से किस वर्ग विभाजित किया जा सकता है, किस वर्ग विभाजित किया जाता है? तो सहकारी जो बैंक होते हैं उन्हें ऑप्शन ए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के आधार पर या फिर निजी क्षेत्र के बैंक के आधार पर, उपयुक्त दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, छोटे ऋण प्राप्त करने हेतु कृषकों द्वारा किस बैंक को अधिक पसंद किया जाता है? तो छोटे ऋण प्राप्त करने हेतु कृषकों द्वारा सहकारी बैंक ऑप्शन ए सहकारी बैंक को अधिक पसंद किया जाता है। अगला है, सहकारी बैंकिंग प्रणाली में खाता धारक या ऋण प्राप्त करने वाला व्यक्ति बैंक का शेयर धारक होता है। ऑप्शन ए शेयर धारक होता है। अगला है, ऑनलाइन वेब पोर्टल जो कि कृषि मंडियों को जोड़ता है ताकि किसानों को विभिन्न मंडियों पर प्रचलित दरों के बारे में पता चल सके है, इसमें से कौन सा? तो ENAM कहते हैं उसे, ENAM। NAM का फुल फॉर्म याद रखिएगा, NAM। N का मतलब होता है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। अगला है, भारत में ग्रामीण बाजार सुदृढ़ करने की चुनौतियों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो इसमें से ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही हैं। जैसे ग्रामीण बाजार एवं ग्रामीण जो होते हैं बाजारों से एवं बाजारों तक परिवहन, ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण व्यवस्था और प्रभावी वितरण चैनल, तो ऑप्शन डी उपयुक्त सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित मदों में से ग्रामीण बाजार में बड़ी उपभोक्ता संख्या किस मद में है? तो इसमें जो बड़ी उपभोक्ता संख्या है वो है जल्दी चलने वाली उपभोक्ता सामग्री MMFCG में, ऑप्शन सी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।